छत को श्रीमद भागवत महापुराण से हैं। बड़ी पावन चर्चा श्रवण कराने चल रहे हैं उषा अनिरुद्ध विवाह की। अनिरुद्ध जी प्रद्युम्न जी के पुत्र और कन्हैया के पोते थे। कन्हैया ने अपने 16108 विवाह किए। इन 16108 रानियों में कन्हैया की 8 पटरानियां थी। सबसे बड़ी रुक्मिणी थी, उससे छोटी सत्यभामा, फिर जामोती, फिर नागनी जीती सत्या, फिर कालिंदी, उससे छोटी मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा, मित्रविंदा, भद्रा, ये 8 पटरानियां रही हैं मुरलीधर कन्हैया की। इनमें जो रुक्मिणी थी वो सबसे बड़ी थी। इस रुक्मिणी के द्वारा समय समय पर 10 पुत्र और 1 कन्या हुई है। 10 पुत्रों में सबसे बड़े हैं प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न चारुदेश, सुदेश चारुदेह, सुचारु चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु चारु, ये कन्हैया और रुक्मिणी से 10 बेटे हुए। जो कन्या हुई उसका नाम चारुमती पड़ा। ये वही प्रद्युम्न है जिनका विवाह समय आने पर रथ से हुआ है। प्रद्युम्न का पहला विवाह रथ से हुआ और जो दूसरी शादी प्रद्युम्न की हुई है वो रुक्मी की पुत्री रुक्मती के साथ हुई। प्रद्युम्न की जो दूसरी शादी हुई वो रुक्मी की पुत्री रुक्मती से होती है। प्रद्युम्न और रुक्मती के द्वारा समय आने पर अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। अनिरुद्ध सयाने हुए, शादी योग्य हुए, तो भाई अनिरुद्ध का पहला विवाह जो हुआ है वो जो रुक्म की पौत्री रोचना थी, रोचना के साथ हुआ। रोचना के साथ में अनिरुद्ध की पहली शादी हुई है। और समय आगे बढ़ा, समय आने पर यही अनिरुद्ध अपना दूसरा विवाह उषा के साथ में किए हैं। ये उषा महात्मा बल के बड़े पुत्र बाणासुर की पुत्री है। महात्मा बल के 100 बेटे बताए गए, उन 100 बेटों में जो बाणासुर था ये सबसे बड़ा था। ये राजा कहाँ का था बताया गया इसके बारे में। अरे सोणितपुर एक नगर सुहावन, बाणासुर था भूप जहां का, जिसकी गाथा गाती है। भूप जहां का, अरे जिसकी गाथा गानी है। अरे कितने साल ध्यान किया शिव का, वो भोले को वरदानी है। कितने साल इस बाणासुर ने भोले बाबा को मनाया, भोले बाबा का ध्यान किया। अरे करे पूजन शिव का हर साय, करे पूजन शिव का हर साय, रहा शिव चरणन ध्यान लगाए, रहा शिव चरणन ध्यान लगाए, चित्त से शिव को नहीं दुराए, चित्त से शिव को नहीं दुराए, भक्त जो शिव का खास कहाए, भक्त को शिव का खास कहाए। बड़ा भक्त है ये बाणासुर भोले बाबा का। अरे सुख पाए वो शिव के चरणन, जग सुख सब बिसराए, बाणासुर शिव भक्त कहाए, बाणासुर शिव भक्त कहाए, बाणासुर शिव भक्त कहाए। एक दिन ये बाणासुर शिव की तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा। शिव की तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा, लेकिन तपस्या नहीं करता है। किया क्या है बाणासुर ने, शिव का ध्यान करता है। शिव का ध्यान किया, शिव की पूजा की। ध्यान और पूजा के बाद बाणासुर नृत्य करने लगा है, नाचने लगा है,
भोले को मनाने लगा है कि भाई कुछ दानदाता है। राम किशन दुदा भैया गौरखेड़ा से 121 रुपए का दान किए हैं। भगवान बख्श यादव ताजपुर से 121 रुपए का दान किए हैं। रामचंद्र सिंह बोहिया से 101 रुपए का दान किए हैं। अखिलेश भैया गुलौली से 100 रुपए का दान किए हैं। राजेंद्र मौर्य गौरखेड़ा से 51 रुपए का दान किए हैं। राजू भैया गौरखेड़ा से 11 रुपए का दान किए हैं। अमरपाल ढफराखेड़ा से 21 रुपए का दान किए हैं। लालता प्रसाद मथुरा खेड़ा से 51 रुपए का महादान किए हैं। परमात्मा इन सभी दानदाताओं को सुख शांति दें। मनाने लगा है बाणासुर भोले बाबा को, नृत्य कर रहा है, बड़ा मगन है। अरे शिव दर्शन को लागी रे नजरिया, शिव दर्शन को लागी रे नजरिया, शिव दर्शन को लागी रे नजरिया। अरे होई के भाव विभोर, प्रभु से लागी डोर, भूप नाचती रे नाचती रे, कैलाश पहुंची के राजा प्रेम नृत्य दिखलावे हो। हरि की कैलाश पहुंची के राजा प्रेम नृत्य दिखलावे हो। अर मीठी मीठी रागिनियों से बाजो का राग मिलावे हो। आनंद भाव से भरा हृदय है, आनंद भाव से भरा हृदय है। अरे जय शिव शब्द सुनावै हो, प्रभु चरण में लागी है नजरिया, प्रभु चरण में लागी है नजरिया। अरे होइ के भाव विभोर, तब से लागी बाणासुर इतना नाचा है, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोले भाले शिव जी भाई प्रसन्न तत्काल हो, ऐसे भोले भाले शिव जी भाई प्रसन्न तत्काल हो। अरे टिमिक टिमिक टिमरू ध्वनि करते, टिमिक टिमिक डमरू ध्वनि करते, अरे आए वहां करतार हो। आए टिमिक टिमिक डमरू ध्वनि करते, आए वहां करतार हो। अरे मृग छाला को बांधे कमरिया, मृग छाला को बांधे कमरिया, होई के भाव विभोर हो। भाई भोले बाबा मृगछाला कमर से कसे हैं और हर गले में पिसधर जटा चूट से, गले में पिसधर जटा चूट से, हर बहे गंग की धार हो। शिव दर्शन को लागी नजरिया, शिव दर्शन
प्रकट हो जाते हैं। सच्चा सेवक जान के भोला बाबा ने कहा, अरे सच्चा सेवक लखिस्यू बोले, अरे सु बोले वीर बत्स खुश हूँ मैं तेरी अब चल भक्ति पर, बोले वीर बात्स खुश हूँ मैं तेरी अब चल भक्ति पर, इस श्रद्धा पर इस प्रति पर इस संयम पर इस शक्ति पर, मांग ले मांग जो ठानी ठान, मांग ले मांग जो अब तक जो उर अनुमान, अब तक जो उर अनुमान, मांग ले जे जो तुझे मांगना है मांग ले, आज तुझे सब कुछ मिलेगा। मांग तेरी खाली ना जाए, मांग तेरी खाली ना जाए, अरे आज जो तू मांगे पाए, आज जो तू मांगे पाए। शिव प्रसन्न लखी बाड़ा सुने, प्रसन्न लखी बाला सुर ने अरे उनके भाव दर्शाए, बाला सुर शिव भक्त कहाए, बाला सुर शिव भक्त कहाए, बाला सुर शिव भक्त कहाए। बाला सुर कहने लगा, भगवान भोले बाबा से, हे भोले बाबा यदि आप प्रसन्न हैं तो सुनो, लाज रखो शरणागत की सु, मैं ज्ञान ध्यान व्रत संयम के नियमों का द्वंद मानता हूँ, मैं ज्ञान ध्यान व्रत संयम के नियमों का द्वंद मानता हूँ, कपट प्रेम मैं भाव भक्ति सीधी राह जानता हूँ, भोले बाबा किया बस उसका अवलंबन, किया बस उसका अवलंबन, लगाया ध्यान आप चरण, लगाया ध्यान आप चरण, जाने कौन उमंग आई, न जाने कौन उमंग आई, नाच गए जो है हर राई, आज जाने क्या हो गया हमें, मुझे नृत्य करना पड़ा। अरे चैतन्य कल्पतरु के नीचे, चैतन्य कल्पतरु के नीचे, अरे नाना भाव उमगाए, बाला सुर भोले बाबा ने कहा, भाई कुछ मांगो, जो मांगोगे सुत में मिलेगा। तो बाणासुर ने हाथ जोड़ करके कहा, सुनो प्रभु फिर, अरे प्रथम याचना दया सदा रहे, पहली बात आपकी दया दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे, अरे प्रथम याचना दया सदा रहे, मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो, मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो, मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो, मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो, आपत्ति समय में ध्यान करूं तो आकर वही सहायक हो, आपत्ति समय में ध्यान करूं तो आकर वही सहायक हो, आपत्ति समय में ध्यान करूं तो आकर वही सहायक हो। हे भोले बाबा, जब हम पर कोई संकट आए उस समय यदि हम आपको याद करें